मतलब यहां के 3.25 करोड़ लोगों ने जो सरकार बनाया है ये लोग सब बोका लोग है क्या जी? ये लोग कितना दिन तक हम लोग को बोका बुझेगा? राज्यपाल महोदय ने सरकार को वापस कर दिया तो ये कोई नई बात नहीं है, ये कोई नई बात नहीं है कि सरकार के सोच के विपरीत इस राज का ही महामहिम जा रहा है, ऐसा बात नहीं है। इस देश में कई ऐसे राज हैं जहां भारतीय जनता पार्टी का सरकार नहीं है, वहां पर राज्यपाल के माध्यम से उन सरकारों को परेशान करने का काम किया जा रहा है। ये जम्मू कश्मीर नहीं है, ये अंडमान निकोबार नहीं है, ये झारखंड है। अगर वो चाहते हैं कि जिस संवैधानिक पद का कसम खा करके राज्यपाल महोदय यहां बैठे हैं उस कसम का धज्जी उड़ेगा, ऐसा होगा नहीं और हम लोग होने भी नहीं देंगे, चिंता मत। अभी इस राज का बागडोर यहां के मूलवासी आदिवासियों के हाथ में। ये लोग बोलता है जो हम लोगों ने कानून बनाया वो असंवैधानिक है, नियम संगत नहीं है, अजीब हालत। मतलब यहां के 3.25 करोड़ लोगों ने जो सरकार बनाया है ये लोग सब बोका लोग है क्या जी? ये लोग कितना दिन तक हम लोग को बोका बुझेगा? चिंता मत करो, यही बोका लोग अब तुम लोग को इतना ठोकेगा कि जीवन में फिर राजनीति करना नहीं सोचोगे। जब राज अलग करने का लोग बात करता था, हमारे आदरणीय दिशम गुरु शिबू सोरेन जी, चंपा सोरेन जी, अनेक लोग यहां पर उपस्थित है, पेट में गमछा बांध बांध करके जब आंदोलन होता था उस समय भी इस राज को अलग करने का आंदोलन को ही लोग असंवैधानिक बोलता था। क्या पता था कि ऐसा खबर भी छप जाएगा यहां आते आते? तो हम चलते चलते कुछ जानकारी लिए, यही हमारा सरायकेला खरसवां, ये सोनखंडी कोई गांव है क्या सरायकेला खरसवां में? सोनखंडी, लखंडी, सलगाडी, बुरुडी, हाथीटाड़, बानुडी, ये सब कोई जगह है क्या जी? नुआ को जाएगा मिना अनुरे आज जाके पता कर लो वहां पर पारा शिक्षक लोग कहां से आए हैं, सब बाहर से आकर के वहां नौकरी कर रहा। और यही हमारा विपक्ष जिनका पेट में दर्द हो रहा है, यही लोग उन लोगों को भर्ती कराया, और यहां होना चाहिए था हमारे बाल बच्चों का। जब हम उनका बाहर का रास्ता बंद करने की कोशिश कर रहे हैं तो इनको असंवैधानिक लग रहा। कौन सा राज्य में अपने राज्य के लोगों के लिए कानून नहीं बना नौकरी के लिए, जरा हमको बता दे। राज्यपाल महोदय ने यह भी लिखना चाहिए था कि इस राज्य में ये कानून नहीं बना, उस राज्य में वो कानून नहीं बना। अभी तो देखेंगे वो कागज भी कि हमारे महामहिम राज्यपाल महोदय ने क्या सरकार को जवाब भेजा है।